हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मतलब दूसरा दिन है। आज 3 लोग आने वाले थे पताई करने के लिए, तो फिर हम लोगों ने चाय वाय पी के फिर लग गए साफ़ सफाई में, क्योंकि बड़ा वो वाला जो कमरा खाली करना था वो काफ़ी बड़ा था और उसमें सामान भी काफ़ी ज़्यादा ही था। तो फिर सारा सामान निकाल निकाल के ना बाहर एक हॉल बना हुआ है तो वहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि उसकी पताई होनी नहीं है, प्लास्टर नहीं है। तो सारा सामान यहाँ रख लेंगे, फिर पूरा घर एकदम साफ़ हो जाएगा, पुताई हो जाएगी, फिर हम लोग उसकी सफाई करेंगे। फिर सारा सामान जैसे जो धुल कर रखने वाला है उसको धुलेंगे, और बाकी जो पोछ के ऐसे ही रखने वाला है उसको ऐसे रख देंगे। सारा सामान सेट करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी घर भी मुझे जाना है, तो उससे पहले सारे काम ख़त्म करने हैं। और हमारे कल भंडारा भी है, कथा भी है, तो थोड़ा मोड़ा मतलब आज रात तक हम लोगों को साफ़ ही करना है, क्योंकि बड़ी मम्मी दादा लोग आएंगे तो फिर लेटना उठना भी है, लेटने का मतलब लेटने की जगह भी बनानी है तो इस वजह से। और बाकी जो बिस्तर वगैरह था ना उसको भी सब बाहर ही निकाल दिया गया है, और बिस्तर जो गद्दे हैं उनके कवर धुलने हैं, बाकी दसनी धुलनी है, बेडशीट धुलनी है, तो ये धुलने वाला काम हम लोग बाद में करेंगे, जब पूरा घर एकदम पुताई पूरी हो जाएगी, पूरा घर साफ़ कर लेंगे उसके बाद करेंगे। और सामने घर के सामने ना मुंडन भी है, तो उनके यहाँ रामायण बैठेगी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था रामायण पढ़ने के लिए, तो अभी मैंने सोचा पहले मैं घर का करवा देती हूँ, खाली करवा देती हूँ, फिर जाती हूँ। फिर उसके बाद ना उनके यहाँ रामायण लगभग देर लेट में बैठी थी, 12-1 बजे बैठी थी, तो मम्मी लोग भी चली गई थी तो फिर मैं नहीं जा पाई थी। और ये आवाज़ वही उसी रामायण की आ रही है, क्योंकि जब मैं एडिट कर रही थी छत पर तो उसी की आवाज़ आ रही है। और बाकी जो मेरा रूम था उसको मैंने खाली कर लिया है, और पोताई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग को फाइनल करना है, क्योंकि बाकी शादी की शॉपिंग करनी है, तो शॉपिंग करेंगे तो फिर सामान आ जाएगा, तो यही हमने यही सोचा, मतलब मैंने तो यही सोचा कि शॉपिंग करने से पहले ही घर का काम ख़त्म करवा देती हूँ, जिससे कि जो सामान शॉपिंग करके लाया जाए तो उसको दोबारा से हटाया ना जाए, और अभी गंदा भी हो जाता है, सब धूल वगैरह गिरती, क्योंकि गाँव है और गाँव में काफ़ी ज़्यादा ही धूल होती है, सब आस पास में खेत हैं सब हैं, और जो बाकी जो कूड़ा जैसे निकला, पन्नी पेपर जो भी जो बेकार जितनी बेकार सामान थी जैसे कि जलाने वाली, तो उसको मैंने यहाँ पर सारा इकट्ठा कर लिया था, और इकट्ठा करके फिर मैं उसको जला दूँगी, और जिससे इधर उधर उड़ के ना जाए, क्योंकि फिर भी साथ ही करना पड़ता, क्योंकि हमारा घर जब मैं हमारे घर के बाहर इतनी ज़्यादा जगह है कि अगर मैं इधर उधर डाल भी देती तो उड़कर हमारे ही घर आता, मतलब हमारे ही जगह में आता, तो उसको फिर से उड़ करना पड़ता, इसलिए मैंने उसको जला दिया। और जो पेंटिंग वाले भैया थे ना वो आए, तो उन्होंने बोला कि कलर कम पड़ जाएगा, तो मैंने बोला ऐसा मत बोलो, क्योंकि कोई घर पे था नहीं, दादा भी नहीं थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो फिर लेने कौन जाता। और जिनके साथ मेरे हस्बैंड गए थे ना वो भैया भी नहीं थे, कहीं गए थे, उनको शॉप पता थी, तो मैंने बोला ऐसा मत बोलो कलर कम पड़ जाएगा, क्योंकि घर पे कोई है नहीं जो लेके आएगा, और मैं किसके साथ जाऊंगी। तो उसके बाद एक ब्लैक कलर का कलर रखा हुआ था, तो फिर बक्सा मैंने सोचा उसको पीछे से कर देती हूँ, दिखेगा भी नहीं और उसकी सेफ्टी भी हो जाएगी। और यहाँ जो मतलब कि घर हमारा काफ़ी पुराना, मतलब 15 साल पुराना तो हो ही गया है, और कलर नहीं हुआ था, मेरी शादी में भी ऐसे ही वाइट सीमेंट की पोताई की गई थी और कलर नहीं चढ़वाया गया था, इसलिए कलर कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। और इधर एक छोटा सा विंडो था जिसमें उसमें भी हमने कलर नहीं किया था, बस ऐसे ही लगा था, तो फिर उसको भी मैंने कर लिया, जो मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना खुद से कर लेती हूँ, और बाकी जो नहीं हो पाएगा जैसे जो ऊंचे हैं उनको नहीं मैं कर पाऊँगी, तो उनके उसके लिए ना मैंने 1 लीटर कलर मैं मंगवाऊँगी और फिर उसको इन्हीं लोगों से करवा दूँगी, बाकी जो नीचे नीचे का है वो तो मुझे भी मिल जाएगा। और मैं करती भी हूँ, मैं अपने ससुराल में शादी में, ननंद की शादी में जब पुताई हुई थी तो जो पेंट का काम था दरवाज़ा का ये सब मैंने ही किया था, तो मुझे यहाँ भी कर लूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सारा सामान पूरा हाल फुल हो गया है। उसके बाद मैं गई वहाँ सजावट करने के लिए, मतलब कि जहाँ पर रामायण बैठती, तो वहाँ पे लगे हुए थे करौंदे, तो मैंने एक करौंदा तोड़ के पेड़ से खाया, क्योंकि मुझे पेड़ से तोड़ के चीज़ खाने में बहुत अच्छा लगता है,
और मैं वहीं पर बैठी थी कि तब तक घर से बुलावा आ गया कि जल्दी से आओ, कलर कम पड़ गया, मतलब अचानक से कलर कम पड़ गया। तो मैंने क्या किया ना, फिर हम और मतलब मैं और वो जो भैया कलर करने वाले थे पेंटर भैया, उनके साथ मतलब पहले हस्बैंड को कॉल किया, बोला कि कलर कम पड़ गया है, तो कहाँ से लाए थे, उन्होंने शॉप बताया। तो मैंने उन भैया को शॉप बताया कि वहाँ ये वहाँ शॉप है, वहाँ से सामान आया था। तो फिर वो कहे चलो, तो हम उनके साथ गए। और जबकि मैं ना रेडी भी नहीं, मतलब नहाई भी नहीं थी, बस जैसे थी वैसे ही दुपट्टा ले लिया और चली गई, क्योंकि कलर एकदम बचा ही नहीं था। तो फिर हमने चलो मैं फटाक से लेकर आती हूँ। फिर मैं यहाँ गई, शॉप पे गई, उनको कोड बताया जो हम लोगों ने जौन सा कलर करवाया था, तो उनके लैपटॉप पे वो कोड सेव भी था, वो पहचान गए कि हाँ परसों ये कलर गया था। फटाक से उन्होंने वो कलर डिस्टेंपर में मिक्स किया, बना के दे दिया कलर, और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। तो जब कलर में बनवा रही तब भी मैंने सोचा भी था ना पहले कि मतलब कि लकड़ी वाली जो पेंट है ले लेंगे, जो जैसे ऊंचे वाले रोशनदान है ना वो मिलते नहीं हैं। तो फिर उसके लिए हमने एक लीटर वाला डब्बा लिया पेंट के लिए। और अभी जब हम घर आएंगे ना तो दो लोग पुताई कर लेंगे, एक लोग ऊपर का पेंट कर देंगे, तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। क्योंकि इधर उधर ना इतने हमारे घर पे ना 5 तख्त हैं और वो इतने भारी हैं ना कि हम लोग से वो उठते ही नहीं हैं। तो जब कभी उठाना पड़ता है ना तो किसी न किसी को बुलाना पड़ता है, इसलिए सोचा जब पड़े ही हैं तो तब कर भी देंगे। और मैं ऐसे ही चली गई थी, कलर कम पड़ गया था बिल्कुल, मतलब कपड़े भी नहीं चेंज किए, चेंज किया नहाया था नहीं, तो मैंने सब कपड़े क्या चेंज करूँ, नहाया होता तो चेंज भी किया होता। और नहाना भी है, यहाँ से जाके मैं फटाक से नहाऊँगी क्योंकि रामायण पढ़ने जाना है, बहुत बार मुझे बुला चुके हैं, मुझे रामायण पढ़ना अच्छा भी लगता है। तो जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म करने हैं। और आज लगभग कि बस एक दिन का काम बचा हुआ है, फिर हमारा घर एकदम पुताई हो जाएगा। दीपावली में भी कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ पहले से ही और रेडी हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और वीडियो तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देती हूँ, और मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में भंडारे के साथ। तो तब तक की बाय।